और ये शराब जहरीली शराब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और हमारी सरकार और प्रशासन से मांग, किसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हम लगातार मांग कर रहे थे विधानसभा में भी और बाहर भी कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, नकली शराब का, अवैध शराब का कारोबार तेजी से गांव गांव में फल फूल रहा है, गांव के गलियों में बिक रहा है। और यह उसी की परिणति है कि आज तीन लोगों की मौत हो गई, तीन परिवार उजड़ गए, लेकिन शासन को, प्रशासन को कोई सबक नहीं मिल रहा। यह सिर्फ नवागढ़ और रोकदा की घटना नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह चल रहा है। अभी 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ, कई लोग उसमें संलग्न पाए गए। यह देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला है। लेकिन हमारी मांग है कि जो तीन परिवार उजड़े हैं उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो यहां का आबकारी अधिकारी हो या प्रशासन का कोई बड़ा से व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं यहां पर हूं, उपस्थित हूं, अभी उनका पीएम चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मांग करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में जा करके अपने आकाओं को खुश करने के लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करते हैं, आज हमारे क्षेत्र में तीन गरीब परिवार उजड़ गए, वह बेसहारा हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नैतिकता के नाते चाहिए कि तत्काल इसी वक्त जो तीन लोगों की मौत हुई है, तीनों को 50-50 लाख रुपए की राशि की मुआवजा देने की घोषणा तत्काल वो करें, क्योंकि उनकी सरकार की कमी और कमजोरी के कारण यह घटना घटित हुई है। अवैध शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है, उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है छत्तीसगढ़ का। इसके लिए और बार बार कहने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात। तो तत्काल इसके उच्च स्तरीय जांच हो इस घटना की, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिए, और 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री को तत्काल रोकदा में, जो हमारे तीन परिवार के होनहार समाप्त हुए हैं, मैं उनके नाम मेरे पास में है, नंदलाल कश्यप जो फौज में थे, सेना के जवान, सतीश कश्यप, परशुराम साहू, ये तीनों को, तीनों परिवार को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा तत्काल मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और शासन और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस उपाय करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्होंने वादा किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, और तत्काल पूर्ण शराबबंदी की भी वो घोषणा छत्तीसगढ़ प्रदेश में करे, ताकि मौत का सिलसिला रुक सके।